नहीं चलेगी, नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबिया बलोच है। आज हम जो है ना बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ जो तशद्दुद वाला रवैया जमीयत के स्टूडेंट्स ने अपनाया है, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये इंतहाई दुख की बात है कि पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ, पंजाब में बलोच स्टूडेंट्स के साथ तशद्दुद होता है तो हम स्टूडेंट्स को ही आगे आना पड़ता है, हमें ही गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हालांकि ये काम बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, ये काम पंजाब गवर्नमेंट का है, ये काम जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का है, लेकिन वो खामोश है। वो क्यों चाहते हैं कि बलोच स्टूडेंट के साथ ऐसा ही रवैया अपनाया जाए? क्या वो चाहते हैं कि बलोच स्टूडेंट एक एक करके अपने तालीम इदारे छोड़ के वापस आ जाए? क्या वो चाहते हैं कि मार धड़ाई में किसी का सर फूटे, किसी की आंग फूटे, फिर आप जो है ना किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आए रोज़ पंजाब में मौजूद बलोच तलबा को जो है ना नीचा दिखाने के लिए, बलोच तलबा को उनकी औकात दिखाने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता है ताकि वो अपने लिमिट्स में रहे। कौन से लिमिट्स? क्या लिमिट क्रॉस करना, यही है हम तालीम हासिल करने पंजाब जा रहे हैं? दुनिया जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे स्टूडेंट 100 से स्टूडेंट या 100 से भी कम स्टूडेंट जब पंजाब पहुँच जाते हैं, क्यों पंजाब जाते हैं? क्योंकि आपके बलूचिस्तान में इंस्टीट्यूट्स नहीं है। आप बलूचिस्तान में इंस्टीट्यूट्स गिन के दिखाए कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे और किस तरह फंक्शनलाइज है। और जब आपके स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे और उनके साथ इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो आपको क्या तासर जाएगा? आपको यही तासर जाएगा ना कि मेरे लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। बलूचिस्तान में जो एजुकेशन का रेट है वो आप खुद मालूम करें किस लेवल तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी आपके लिए आप इस लेवल पे हो, आपके कौम का एक एक बच्चा मैटर करता है। लेकिन अगर उस तशद्दुद की वजह से आपके कौम का एक भी नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाता, वो अपनी तालीम छोड़कर यहाँ आ जाता है या उसी मार कुटाई में किसी पर जो है ना जब FIR बनती है तब भी बलोच कौम भी बनती है, किसी पे FIR बन रही है, किसी का कैरियर ज़ाया हो रहा है, क्या आपको कौमी नुकसान नहीं मिल रहा? क्या आपको बीइंग बलोच टारगेट किया नहीं जा रहा? ये सारे हमारे लिए जब सवाल उठते हैं तब हम रोडों पे आते हैं, तब हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। काश ऐसा सिस्टम होता कि जो है ना हमें चीखने से पहले, हमें रोडों से आने से पहले एहतजाज की जो है ना एक्शन लिया जाता, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जब तक हम चीखेंगे नहीं, जब तक हम रोडों पर नहीं निकलेंगे तब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। ये रवैया, ये चीज़ हमारे गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, वफाक को ख़त्म करनी होगी। बलोच स्टूडेंट्स जब तालीम की तरफ आ रहे हैं तो आप उसके लिए बाहें खोलें, आप उसको तालीम के दरवाजे प्रोवाइड करें, आप बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को इतना फंक्शनल बनाएं कि बलोच स्टूडेंट यहाँ पे अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकें, इसके साथ पंजाब, सिंध, सरहद कहीं पे भी अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकें। मगर इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है कि जैसे आपके खिलाफ एक खुली साजिश रची जा रही है, आपको जानबूझ के तालीम से रोका जा रहा है। इस चीज़ के हम खिलाफ थे, हम खिलाफ होंगे, भले ही हमें दहशतगर्द कहा जाए, भले ही हमें टाइम पास करने वाला कहा जाए, भले हमें रोडों पर रहने वाला कहा जाए, लेकिन हम एक्शन लेंगे क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है, हमारे एजुकेशन का मसला है। तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ आया और हमें कॉलेज में। तीन से चार तुलबा को शदीद ज़ख्मी किया गया है। वो गाड़ी पार्क करके निकल रहे थे तो इन 30 बंदों ने आकर 3 से 4 तुलबा को शदीद मारा है। वो अभी तक भी ज़ख्मी हैं, फिर ये हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो तुलबा बलूचिस्तान से जो तुलबा पंजाब में पढ़ने जाते हैं उन्हें तहफ़ फराम किया जाए, उन्हें पढ़ाई वाला माहौल फराम किया जाए, उन्हें इन दहशतगर्दाना हमलों से बचाया जाए और उन दहशतगर्दाना माहौल से बचाया जाए। अगर तुलबा को इंसाफ फराम नहीं किया जाता तो नेक्स्ट लेवल क्या है? तुलबा को अगर इंसाफ फराम नहीं किया जाता तो हम यहाँ पर आज हमने जो एहतजाज किया है तो इसके अलावा हम ग्रैंड एहतजाज का कॉल देंगे और तमाम जो हमारी तुलबा तंजीमें हैं बलोच और पश्तून और बाकी ये तुलबा तंजीमें हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे वो आएँगे और यहाँ पर एक ग्रैंड हम एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी वो ना सुधरे तो हम यहाँ पर रैली की कॉल देंगे, खामोश नहीं रहेंगे।